मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है सोमवार, सावन सोमवार की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो कोरोना के इस टाइम में, इस कहर में बिल्कुल ना हो उदास व निराश, घर में रहकर ही करें कुछ शिव जी के लिए खास। तो आज मैं लाई हूँ स्पेशल वीडियो, शिव जी को हम कैसे करें प्रसन्न और कैसे करें उनकी पूजा घर में रहकर ही, कैसे अपनी मनोकामना हम पूर्ण कर सकते हैं इनकी पूजा में, कुछ खास है इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पूजा, देखना नहीं चाहेंगे आप। तो आज पहला सोमवार है सावन का, मैंने बच्चों से ही शुरू करवा दी है पूजा। बर्फ की शिवलिंग बनाई है और बच्चों से मैंने कहा कि थोड़ा सा रोली अक्षत हल्दी से उनको टीका करें, साथ में उनका जल से अभिषेक करें। तो बच्चे बहुत खुश हैं। तो अपने जो रीति रिवाज संस्कार हैं बच्चों को जरूर बताएं, ताकि बच्चे भी हमारे समझेंगे और आस्था से जुड़ेंगे। तो बच्चों की पूजा हो गई है ख़त्म, अब शुरू करते हैं अपनी पूजा। तो उसके लिए लिया है मैंने कुछ गेहूं का आटा थोड़ा सा, साथ में थोड़ा सा कलर डाल दिया है नारंगी कलर, अब डाल के अच्छे से हम गूंथ लेंगे। तो ये है 11 दियों की पूजा, हम करेंगे शिव जी की पूजा कुछ अलग तरीके से। तो 11 दिए बनाएंगे हम आटे से और शिव जी को प्रसन्न करेंगे, साथ में अपनी मनोकामना शिव जी के सामने रखेंगे और शिव जी बहुत ही भोले हैं, वो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो आप जरूर उस तरह के दिए बनाने। ये देखिए दियों को हम एक लोई या फिर पेड़ के अकॉर्डिंग ले लेंगे, छोटे छोटे होता है बड़ा ले सकते हैं, साथ में साइड से पुश पुश कर करके बना देंगे। तो ऐसे कर करके हम साथ में मैंने लिए हैं कुछ चावल, उसको मैं चिपका दूंगी और बहुत सुंदर लग रहे हैं दिए। तो आप भी जरूर ये दिए बनाएं। तो बस ऐसे ही सारे दिए हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये बहुत ही जरूरी है कि आप दिए घर पर ही बनाएं, बाहर से लाने की बजाय, और पूजा को अच्छे से संपूर्ण करें। अब हम तैयार करेंगे पूजा की थाली। मैंने कुछ फूल लिए हैं, यहाँ पे मेरे पास बेलपत्र नहीं था तो मैंने गुलाब के कुछ पत्ते लिए हैं, अक्षत लिया है, हल्दी कुमकुम लिया है, कुछ पैसे लिए हैं, फल लिए हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास है, गंगा जल, थोड़ा सा पानी, ये है गंगा जल। अब मैं ले लूँगी इसमें थोड़ा सा, अब थोड़ा सा कच्चा दूध, डाल देंगे कटोरी में देसी घी। तो शिव जी की पूजा के लिए ये सब बहुत जरूरी है सामग्री, तो आप लोग जरूर ये सामग्री लें, जितना हो सकता है जितना अवेलेबल है घर पर ही था। अब डाल देंगे इसमें हम शहद, तो जो भी घर पर हमारे पास था उसी से हमने थाली तैयार की है। तो भगवान कभी भी नाराज नहीं होते हैं, वो हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखते हैं। तो प्रेम और श्रद्धा से पूजा करिए और प्रार्थना करें कि हम सबकी रक्षा करें, सदैव हम सब को इस संकट से उबारें। तो मैंने जल ले लिया है, देखिए बत्ती भी ले ली है, दीपक तैयार हो गया है। अब इसमें मिक्स करें थोड़ा सा घी, दही घी और शहद से अभिषेक करेंगे। तो मेरी थाली हो गई है तैयार पूजा की। चलते हैं आगे, अब शुरू करते हैं अपनी पूजा। तो ये देखिए मैंने अपने दीपक जला लिए हैं और नीचे ही मैंने एक छोटी सी चौकी कहिए या फिर एक छोटा सा टेबल है नीचे ही रखकर भगवान नीचे रख लिए हैं। वैसे तो बहुत बड़ा भगवान का मंदिर है बट उसमें पूजा नहीं हो पाएगी हमारी अच्छे तरीके से। तो 11 दियों को मैंने प्रज्वलित कर लिया है, अब मैं तो दिए हमारे जल गए देखिए। और ये छोटी सी शिवलिंग है स्फटिक की, मैंने उसे कटोरी में रख दिया है। अब दियों को हम पूजा के पास सजा लेंगे। तो कितना अच्छा लगता है जब अपने हाथों से आप भगवान के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, इसमें श्रद्धा भी हो आस्था भी हो, तो बहुत सुंदर, भगवान ही प्रसन्न होते हैं और अपने हृदय को भी शांति मिलती है। तो आप लोग भी ऐसे ही पूजा करें और भगवान की कृपा दृष्टि आप पर सदैव हम सब पर बनी रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं पूजा। मैंने जल से स्नान करवा लिया है भोलेनाथ को, अब गंगा जल से स्नान करेंगे इनका। साथ में पंचामृत बनाया था मैंने, उससे हम नहला लेंगे इनको। अब डालेंगे कच्चा दूध, उससे स्नान कराएंगे, फिर से हम उनको जल से
सेक करेंगे। को अच्छे से हम साफ शुद्ध कर देंगे। अब उनको हम धीरे से निकाल लेंगे बाहर और अच्छे से हम साफ कपड़े से उनको हम पोंछ कर रख लेंगे पूजा के स्थान पे। अब कर देंगे हम सिंदूर से उनका तिलक। जो सारे भगवान नीचे रखे हैं उन सबको भी हम टीका कर देंगे। रोली लगा देंगे थोड़ी सी हम और हल्दी भी और अच्छत से उनका श्रृंगार करेंगे। और जो फूल थे थोड़े से मेरे पास वही मैंने चढ़ा दिए हैं उन पर। ये देखिए सब मैंने चढ़ा दिया है ये भगवान पर। थोड़े से पैसे चढ़ा दिए हैं। अब धूपबत्ती मैं जलाकर यहाँ पर रखूँगी। धूपबत्ती से इनकी मैं आरती करूँगी। आपके पास धूपबत्ती अगरबत्ती जो भी हो आप उससे उनकी आरती कर लें। अगर नहीं भी है तो कहते हैं कि मन मन से ही पूजा कर ले भगवान की उतना ही बहुत है। तो बस इनकी पूजा कर लेते हैं। धूपबत्ती से साइड में रख देंगे। तो चलिए अब हम भोग चढ़ा देते हैं भगवान जी को अपने शिव जी को। तो मैंने यहाँ पर भोग चढ़ा दिया है केले का। अब चढ़ाएंगे इलायची के दाने। आपके पास जो भी फल हुआ आप चढ़ा दें भगवान को। चलिए अब हम आरती के लिए दीपक तैयार करते हैं। जो भी आपकी आरती आपको आरती आती हो तो आप शिव जी की आरती कर लें। यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है पूरी। तो अब मैं पढ़ूंगी शिव जी की चालीसा। जो भी मेरे पास बुक है आप लोग भी चाहें तो पढ़ सकते हैं और अपनी पूजा पूरी कर सकते हैं। तो सभी पर कृपा बनाए रखें शिव जी। सभी का कल्याण करें। इस कोरोना के कहर से सभी को बाहर निकालें और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलती। अब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुलेखा लाइफस्टाइल के साथ जुड़ जाएं। तक के लिए बाय बाय। ओम नमः शिवाय। और बहुत से लोग सावन सोमवार का व्रत भी रखते हैं। मैंने भी व्रत रखा है और साथ में शिव जी की पूजा किया है। तो आप लोग भी व्रत रखिए, पूजा करिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करिए। ओम नमः शिवाय।